वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात शशुम मजमून जुग्राफिया इस किताब से सबक नंबर 5 दर्जे हरारत इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 5 दर्जे हरारत सवाल व जवाब। अलिफ, मैं कहाँ हूँ? इसका पहला सवाल है, मेरे आसपास ही 0 डिग्री सेल्सियस मसावी हरारत का खत है। तो इसका जवाब है, मैं कुतबैन के करीब हूँ। नंबर 2, मेरे आसपास का सालाना औसत दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका जवाब है, मैं मुंतकए हर्रा के खित्ते में हूँ। और तीसरा सवाल है, मेरे आसपास का सालाना औसत दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका जवाब है, मैं मुंतकए मोतदला के खित्ते में हूँ। बे, मैं कौन हूँ? इसका पहला सवाल है, मैं मसावी हरारत के मकामात को जोड़ता हूँ तो मैं कौन हूँ? इसका जवाब है, मसावी हरारत का खत। नंबर 2, दर्जे हरारत की सही पैमाइश के लिए मेरा इस्तेमाल किया जाता है तो मैं कौन हूँ? इसका जवाब है, हरारत पैमा। नंबर 3, ज़मीन और पानी की वजह से मैं गर्म होती हूँ। इसका जवाब है, हवा। और नंबर 4, ज़मीन और पानी मेरी वजह से गर्म होते हैं। इसका जवाब है, सूरज। जी, जवाबात लिखिए। इसका पहला सवाल है, ज़मीन की कुर्रवी साख्त दर्ज हरारत पर किस तरह असरअंदाज होती है? शक्ल के साथ वाजह कीजिए। इसका जवाब यहाँ लिखा है, सूरज की शुआएं ज़मीन पर ख़त मुस्तकीम में आती हैं, लेकिन ज़मीन कुर्रवी यानी गोल होने की वजह से ये शुआएं सतह ज़मीन पर हर जगह उमूदी नहीं पड़ती, इसलिए इसकी वजह से सतह ज़मीन पर मंदरजैसील असरात होते हैं। उमूदी शुआएँ कम जगह घेरती हैं, कम घिरी हुई जगह में तेज़ रोशनी और ज़्यादा गर्मी हासिल होती है, इसलिए यहाँ की सतह ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है और इस वजह से हवा भी गर्म हो जाती है और जिसकी वजह से दर्ज हरारत ज़्यादा होता है। तिरछी शुआएँ ज़्यादा जगह घेरती हैं, ज़्यादा घिरी जगह में रोशनी की शिद्दत और गर्मी कम हासिल होती है, जिस वजह से इस इलाके की सतह ज़मीन भी कम गर्म होती है और इस वजह से हवा भी कम गर्म होती है, जिसके नतीजे में इस इलाके का दर्जे हरारत कम होता है। यहाँ पर हमने इसकी शक्ल दिखाई है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो सूरज की शुआएँ हैं उमूदी पड़ रही है ज़मीन पर, लेकिन ज़मीन की जो शक्ल है वो कुर्वी है, गोल है, और जिसकी वजह से कुछ शुआएँ कम जगह घेर रही हैं और कुछ शुआएँ ज़्यादा जगह घेर रही हैं। जो शुआएँ कम जगह घेरती हैं उस इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जहाँ पर शुआएँ ज़्यादा जगह घेरती हैं तो उसकी गर्मी कम होते हुए ज़मीन पर आती है, और उस इलाके में गर्मी बहुत कम होती है और सर्दी ज़्यादा होती है। तो इस सवाल के जवाब के साथ आप लोगों को ये शक्ल भी अपनी बयाज में बनानी होगी। नंबर 2, अर्जुल बलदी वसत का दर्जे हरारत से ताल्लुक़ वाज़ह कीजिए। इसका जवाब है, ज़मीन पर पहुंचने वाली सूरज की शुआएं सीधी और मुतवाजी होती हैं, लेकिन ज़मीन की गोल शक्ल की वजह से ये शुआएं ज़मीन पर कम या ज़्यादा जगह घेरती हैं, इसलिए किसी इलाके की दर्ज हरारत पर तुलुल बलद की बनिस्बत अर्जुल बलदी वसत ज़्यादा असरअंदाज होती है, इसीलिए अतस्तवा से उत्पैन की जानिब जाते हुए दर्ज हरारत कम होता जाता है। नंबर 3, मसावी हरारती खतूत की साख्त खुश्की पर तब्दील हो जाती है, वजह बयान कीजिए। तो इसका जवाब है, साहिली इलाकों में दिन और रात के दर्ज हरारत में फ़र्क होता है, मगर खुश्की के इलाकों में ये फ़र्क ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़मीन पानी के मुकाबले में जल्द गर्म और जल्द सर्द हो जाती है। जुनूबी निसफ कुर्रे में खुश्की के हिस्से का तनासुब कम होने की वजह से इस इलाके के दर्ज हरारत पर अर्जुल बलद के असर का फ़र्क दिखाई देता है। शुमाली निसफ कुर्रे में अलबत्ता इन खतूत के दरमियानी फासले कम ज़्यादा यानी गैर मुतवाजी हैं,
इसलिए अर्जुल बलद और खुश्की के तनासुब दोनों का असर यहाँ के दर्ज हरारत की तकसीम पर दिखाई देता है। इस वजह से हरारत के मसावी खतूत के दरमियानी फासले का कम ज़्यादा होना, हरारत के मसावी खतूत का टेढ़ा होना वगैरह नज़र आता है। इसलिए मसावी हरारती खतूत की साख खुश्की पर तब्दील हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को सवालात के जवाबात समझ में आ गए होंगे। अल्लाह।